हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रानी और आप देख रहे हैं द स्मार्ट कुकिंग। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दिवाली स्पेशल मीठे समोसे, जो बहुत ही आसान है बनाने में और बहुत ही डिलीशियस होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका कोई चार्ज नहीं होता है, ये टोटली फ्री है। तो मीठे समोसे बनाने के लिए हमें चाहिए, यहाँ पर हमने 2 कप मैदा ले लिया है, 1 कप मावा यानी कि खोया, इसको हमने ग्रेट कर लिया है, 2 टेबल स्पून किशमिश, 10 से 12 बादाम, 10 से 12 काजू, और 1 कप पिसी हुई शुगर ले ली है, 1/2 कप मेल्टेड घी ले लिया है, और 1 कप शुगर ले ली है चाशनी के लिए, और 5 से 6 इलायची। तो इसका हमें पाउडर बनाना है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डो तैयार करेंगे। तो इसमें हम डाल देंगे घी मोयन के लिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ध्यान रहे, मैदे का 1/4 भाग हमें घी का लेना है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इस तरह से हम देखेंगे लड्डू जैसा बनने लगा है। तो इतना घी होना चाहिए इसमें। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको कड़क गूंद लेंगे, एकदम से सारा पानी नहीं डालना है, अच्छे से इसको। तो इसका एक टाइट डो हमने तैयार कर लिया है, बहुत ही कम पानी इसमें लगता है। तो इसको रख देते हैं ढक कर के 15-20 मिनट के लिए, तब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पैन गरम कर लिया है, और इसमें हम डाल देंगे मावा, और इसको थोड़ा सा भून लेंगे, लाइट ब्राउन होने तक हम इसको भून लेंगे। तो मावा को हमने भून लिया है, काफ़ी सारा घी इसमें से निकल गया है। तो इसी में हम डाल देंगे काजू बादाम, इनको हमने काट लिया है, तो ये भी थोड़ा सा भून जाएंगे। तो इसको एक बाउल में निकाल लेंगे, और काजू बादाम को ज़्यादा नहीं भुनना है, बस थोड़ा ही ठंडा होने देंगे। तो मावा तैयार ठंडा हो रहा है, तब तक हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो शुगर डाल देंगे, शुगर का 1/2 हमें पानी डालना है, और 1 कार की चाशनी तैयार करना है, इसको घुलने तक पकाएंगे। शुगर हमारी मेल्ट हो गई है, और इसको देखेंगे, थोड़ा ठंडा कर लेते हैं, अंगूठे और उंगली के बीच में चिपका करके देखेंगे। 1 तार की चाशनी हमें चाहिए इस तरह से। तो 1 तार की चाशनी तैयार हो गई है, तो इसको हम बंद कर देते हैं। और यहाँ पर हमारा मावा भी ठंडा हो गया है, तो मावा पूरी तरह से ठंडा हो गया है। तो इसमें हम डाल देंगे किशमिश और शुगर, इलायची पाउडर डाल देंगे, और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप चाहें तो शुगर कम भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसको हमें चाशनी में डिप करना है, चाशनी की कोटिंग करना है, तो इसलिए शुगर हम थोड़ी कम भी ले सकते हैं। और अगर चाशनी में नहीं डालना चाहे तो शुगर इतनी ही रहेगी। तो अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। तो स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है, इसको रख देते हैं साइड में, और मावा मैदा को देख लेते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा मस लेंगे। तो इतना आटा हम इसमें से ले लेंगे 1 बड़े नींबू के बराबर, और इसको कर लेंगे गोल, और इसको इस तरह से, और इसको हम बेलेंगे। तो एक हम चकला और बेलन ले लेते हैं, और इसको लंबाई में बेलते जाएंगे इस तरह से।
तो इसको लंबाई शेप में बेलना है, गोल नहीं बेलना है। इस तरह से तो इसको हमने लंबाई में बेल लिया है और इसको हम बीच में से काट लेंगे चाकू से। बीच में से हमने इसको काट लिया है। थोड़ा सा पानी ले लेंगे और एक पार्ट इसको उठा लेंगे इस तरह से हथेली पे, और यहाँ पर लगाएंगे थोड़ा सा पानी और इसको इस तरह से दोनों कोन ये आपस में चिपका देंगे। इस तरह से हम इसको अच्छे से दबाते हुए चिपका देंगे ताकि ये फ्राई होने के टाइम पे खुले नहीं। इस तरह से थोड़ा सा इसको फोल्ड कर देंगे और इसका एक कोन तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो इसमें हम भर लेते हैं इसको, अच्छे से इस तरह से चिपका लेंगे और इसमें एक चम्मच फिलिंग भर देंगे इस तरह से। ज़्यादा नहीं भरना है, बस एक चम्मच ही। और फिर से पानी लगाएंगे चारों इसके किनारे पे, पानी लगा लेंगे और एक हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे इस तरह से और इनको चिपका लेंगे इस तरह से। तो सारे जॉइंट को हम अच्छे से चिपका लेंगे। तो ये हमारा समोसा तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हम सभी समोसे बना लेंगे। एक और बना करके दिखाती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर इस साइड को हम पानी लगाएंगे और इस तरह से उठा के और इसको यहाँ पर चिपका देंगे इस तरह से, और इसमें भरेंगे एक चम्मच फिलिंग इस तरह से, और यहाँ पर किनारों पे लगाएंगे पानी और इसको करेंगे थोड़ा सा फोल्ड, और यहाँ पर ये जॉइंट है यहाँ पर इसको चिपका देंगे इस तरह से। तो बना लेंगे हम सभी समोसे इस तरह से, और बना के इस साइड में इसको रखते जाएंगे इस। तो समोसे हमारे रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पर हमने घी ले लिया है, इसको गरम करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। घी गरम होने देंगे, आप चाहें तो इसकी जगह ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन घी में फ्राई करेंगे तो समोसे बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो घी गरम हो गया है तो इसमें हम समोसे डालते हैं। ज़्यादा गरम नहीं करना है और मीडियम टू लो पे हम इसको फ्राई करेंगे। तो आराम से इसमें समोसे हम छोड़ देंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। तो जितने आ जाए उतने समोसे हम इसमें फ्राई कर लेंगे। तो इसको आराम आराम से हम फ्राई होने देंगे, क्योंकि मैदा जो है वो देर से सिकती है, तो आराम से इसको हम फ्राई होने देंगे। समोसे हमारे एक तरफ से फ्राई हो गए हैं तो इसको हम आराम से पलट देंगे इस तरह से। तो समोसे हमारे दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं तो इन्हें हम निकाल लेंगे। तो समोसे को हम निकाल लेंगे आराम से। तो बाकी के समोसे भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे।
तो इन्हें हम चाशनी में डिप कर देंगे इस तरह से, और इसको एक मिनट तक हम चाशनी में डूबा रहने देंगे। इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो चाशनी की कोटिंग इस पर अच्छे से हो गई है, तो इसे हम निकाल लेंगे, एक प्लेट में रखते जाएंगे इस तरह से। तो तैयार है स्वीट स्वीट समोसे, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो आप भी इस दिवाली पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने मेहमानों का और अपने घर वालों का दिल जीतिए। तो खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं, बहुत ही ईजीली बन जाते हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।